हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटिक कंप्यूटर स्टोर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मदरबोर्ड के बारे में। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इस मदरबोर्ड को, जानेंगे इसके टेक्निकल डिटेल्स को, इसके फीचर्स को और इसके प्राइस को, और हम ये देखेंगे कि किस किस प्रोसेसर के लिए आप इस मदरबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस मदरबोर्ड की बात करने वाले हैं वो है गीगाबाइट की तरफ से B450 ऑरस लाइट। इस मदरबोर्ड की आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों एक फुल साइज़ का ATX मदरबोर्ड है जो कि सपोर्ट करता है AMD राइजन के प्रोसेसर को। ये फुल साइज़ का ATX B450 चिपसेट का मदरबोर्ड है जो कि बहुत शानदार एक धासु मदरबोर्ड है। ये फुली गेमिंग मदरबोर्ड है फ्रॉम गीगाबाइट। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले इस मदरबोर्ड को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि हमें इस मदरबोर्ड के बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास है दो SATA केबल्स, हमें दो SATA केबल्स मिली है इस मदरबोर्ड के बॉक्स में। उसके बाद हमारे पास है मैनुअल, एक मैनुअल हमें इस तरह का ये इसमें मिला है। इसके बाद हमारे पास है DVD, जो ड्राइवर की DVD होती है वो हमें इसमें मिली है। इसके बाद हमारे पास एक लोगो और उसका जो गेमिंग वाला लोगो है वो हमें इस बॉक्स में मिला है, और हमें इसमें मिलता है एक M.2 SSD वाला स्क्रू। तो दोस्तों बॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट और जानदार शानदार जो चीज़ है वो है मदरबोर्ड, जो कि ये रहा मेरे हाथ में। तो दोस्तों बहुत ही शानदार ये मदरबोर्ड, देखने में आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार वाकई में एक गेमिंग मदरबोर्ड है। जो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार है क्योंकि इसका वजन काफ़ी है, और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, जो इसका PCB है, ये बहुत ही शानदार काफ़ी स्ट्रांग है। तो आगे बात करते हैं, तो इसमें आपको चार रैम स्लॉट मिलते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं 64 GB तक, 64 GB की रैम सपोर्ट करते हैं, और जो रैम की फ्रिक्वेंसी है वो 3600 MHz तक की, 3600 MHz तक की रैम सपोर्ट करेंगे। अभी मैंने इसमें 32 GB रैम यहाँ पे लगा रखी है 3000 MHz की। तो आगे बात करेंगे, तो इसमें आपको ग्राफिक्स के दो स्लॉट मिलते हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, तो दो ग्राफिक्स के स्लॉट इसमें आपको मिलते हैं। उसके बाद इसमें आपको दो M.2 SSD वाले स्लॉट मिलते हैं, एक ये रहा यहाँ पर है एक नीचे है। तो पहले वाला जो M.2 SSD वाला स्लॉट है वो कवर्ड है हीटसिंक से, इस पर हीटसिंक लगी है, इसके नीचे मैंने SSD भी यहाँ पे लगा रखी है। इसके बाद आगे बात करें तो इसमें आपको काफ़ी सारी हीटसिंक मिलती है, यहाँ पे एक हीटसिंक दी हुई है ये देखिए, और ये भी इसके नीचे भी यहाँ पे ये दिख रहा है, ये भी एक हीटसिंक है। तो इसकी जो VRM है उसके ऊपर काफ़ी सारी हीटसिंक दी हुई है, तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा मदरबोर्ड, कोई भी हीटिंग का इशू इसमें नहीं रहेगा। इसके बाद जो इसकी मेन चिप है उस पर भी हीटसिंक दी है, और यहाँ पे इसका जो ऑरस का लोगो है वो बना हुआ है। तो दोस्तों साथ में ये RGB मदरबोर्ड भी है, यहाँ पे जो ये जो स्ट्रिप है ये पूरी लाइटिंग से जगमगाएगी, RGB है जब आप इसे कंप्लीट करेंगे, और ये जो इसका मेन जो लोगो है ऑरस वाला ये भी इसमें भी लाइटिंग होती है, यहाँ पे भी लाइटिंग जगमगाती है। तो बाकी सारे फीचर आपको मिल जाते हैं, USB 3.0 के पोर्ट इसमें है, USB 2.0 के इंटरनल पोर्ट से साउंड के पोर्ट है, वो सब आपको इसको इसमें मिल जाएगा। आपको इसमें एक RGB हेडर मिल जाएगा, तो RGB वाले जो फैन होते हैं आपके कैबिनेट के जिसमें RGB हेडर आता है वो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें एक CPU LED का हेडर भी है, यानी अगर आपने कोई ऐसा फैन लिया है जिसके अंदर RGB हेडर अलग से दिया हुआ है CPU वाले फैन में, तो वो भी आप इसमें कनेक्ट कर पाएंगे। तो बहुत सारे फीचर इसमें मिल रहे हैं आपको, बहुत ही शानदार ये मदरबोर्ड है B450 चिपसेट का फ्रॉम गीगाबाइट, बहुत शानदार ये रहेगा। तो दोस्तों बैक साइड की बात करते हैं, तो इसमें आपको USB 2.0 के पोर्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, एक इसमें PS2 कीबोर्ड माउस का पोर्ट आपको यहाँ मिल रहा है, एक DVI का पोर्ट है, एक HDMI आपको मिल रहा है, चार USB 3.0 के पोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे दो USB 2.0 के पोर्ट मिल रहे हैं, RJ45 का कनेक्टर है, और साउंड का 7.1 वाला यहाँ पे आपको पोर्ट मिल रहा है। तो दोस्तों इसकी जो बैक प्लेट है उसमें फिक्स है, आपको अलग से फिर नहीं लगानी पड़ेगी, इसका जो बैक पैनल है वो इसमें ऑलरेडी फिक्स है। तो बहुत शानदार ये मदरबोर्ड है, मेरा तो दिल खुश हो गया इस मदरबोर्ड को देख के, उम्मीद है कि आपको भी मदरबोर्ड पसंद आएगा, आपका भी दिल गदगद हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम इस मदरबोर्ड को कनेक्ट करके देखते हैं, इसे ऑन करके देखते हैं, और देखते हैं कि इसमें कहां कहां कैसे कैसे RGB जगमगाती है, RGB इसमें कहां कहां लाइटिंग होती है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस मदरबोर्ड को स्टार्ट कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है पावर सप्लाई से, और ये काम कर रहा है, उसमें विंडोज इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत ही शानदार ये लग रहा है चलने के बाद में, मैंने इसमें बताया था कि आपको इसमें लाइटिंग होती है, तो आइए देखते हैं कि हम कहां कहां इसमें लाइटिंग हो रही है। तो दोस्तों ये जो ऑरस वाला लोगो है यहाँ पे लाइटिंग है, यहाँ पे देखिए ऑरस का लोगो बना है, इस पर लाइट जल रही है, यहाँ पे लाइटिंग हो रही है, और ये यहाँ पे एक पूरी स्ट्रिप है, ये देखिए यहाँ से लेके ये स्ट्रिप जो है यहाँ तक ये पूरी इसमें लाइटिंग है RGB। नीचे से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से पूरा ये बोर्ड जगमगाता है कंप्लीट होने के बाद में। तो अभी तो मैंने इसको ओपन करके चलाया तो इतना लाइटिंग इसमें नहीं दिख रही है, लेकिन जब आप इसे कैबिनेट में कंप्लीट करेंगे, कैबिनेट में इसे असेंबल करेंगे, तो बहुत ही शानदार ये लुक देगा।
तो दोस्तों हमने इस मदरबोर्ड का रिव्यू कर लिया है, हमने इसके टेक्निकल डिटेल्स और फीचर्स को देख लिया है, और हमने साथ ही इसको स्टार्ट करके चला के भी देख लिया, और ये भी देख लिया कि कहाँ कहाँ किस किस तरह से इसमें RGB जगमगाती है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार ये मदरबोर्ड है, इसका जो लुक है फुली गेमिंग का है, और स्पेशली ये गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया है। तो मेरा तो दिल खुश हो गया ये मदरबोर्ड देख के, मुझको तो बहुत पसंद आया मदरबोर्ड, क्योंकि ये मैंने पहली बार मंगाया, इससे पहले मदरबोर्ड मैंने आज तक मंगाया नहीं था, तो बहुत ही शानदार ये मदरबोर्ड मुझे लगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसर के लिए आप इस मदरबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों राइजन 5 के जो प्रोसेसर है, जैसे कि 3600 है, 3600 एस के लिए एकदम परफेक्ट मदरबोर्ड रहेगा, उसके लिए तो एकदम शानदार ये मदरबोर्ड रहेगा। अगर आपका बजट है तो आप राइजन 5 3500 के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत शानदार ये रहेगा 3500 के लिए, और 3600 और 36 के लिए तो एकदम शानदार ये है ही। वही अगर बड़े प्रोसेसर की बात करते हैं, जैसे कि AMD राइजन के 8 कोर वाले जो प्रोसेसर है, जैसे कि 3600X है, उसके लिए भी आप इस मदरबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस मदरबोर्ड की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार है, इसके अंदर काफी सारी हीट सिंक दी हुई है, और जो इसका PCB है वो काफी स्ट्रांग है, तो आसानी से जो है 8 कोर वाले प्रोसेसर को ही हैंडल कर लेगा। उसमें आपको कोई अच्छा एयर कूलर या लिक्विड कूलिंग लगानी होगी अगर आप कोई 8 कोर का प्रोसेसर मदरबोर्ड के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत शानदार है ये मदरबोर्ड B450 चिपसेट का फ्रॉम GIGABYTE AURUS। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी, या फिर किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondorcomputer.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड है लाल घाटी स्क्वायर भोपाल पर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या इसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।